मुझे बहुत गर्व होता है कि जब जब मेजर जनरल सतबीर सिंह ने आह्वान किया है हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पर एक खतरे की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगी। पिछले एक सालों से मैंने सरकार को और मध्य प्रदेश में जिस तरह की हवा है उसे बहुत पास से देखा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह सरकार जहां दूसरी चीजों में जाति और धर्म में बांट रही है, वही हमारे अधिकारियों और जवानों के बीच बहुत बड़ी डिफरेंस और बहुत बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैंने ये देखा है कि हमारे जवानों को ये कहा जाता है कि तुम्हें तो ओआरओपी कहते हैं और तुमने भी वही कमाल किया है जो अधिकारियों ने किया है। और इस तरह से हमारे जवानों को मैं देखती हूँ कि मध्य प्रदेश में भी हमने 2 सितंबर को एक रैली करने की कोशिश की थी। हम चाहते थे कि सरकार हमारे भूतपूर्व सैनिकों के मध्य प्रदेश के लोगों की आवाज सुने, लेकिन उस पर जो अभी वर्तमान सरकार है उसका और सभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा प्रहार हुआ कि मध्य प्रदेश का सैनिक एक नहीं हो सका और 2 सितंबर की रैली नहीं हो सकी। ये और बात थी कि उसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह का नाम आ जाने के कारण कुछ हमारे ही फौज के ऐसे लोगों ने जो बीजेपी को समर्थन देते हैं उन्होंने उसे स्टॉल करने की कोशिश की। तो मेरे सभी फौजी भाइयों से ये एक निवेदन है कि आप अपने आप को याद करिए। आप में से बहुत लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई में भाग लिया है। आप में से किसी के पास एक उदाहरण है कि जिस समय आप दुश्मन के पास चढ़ाई करने गए थे, हमला करने गए थे, तो आपके अधिकारी को ने आपको छोड़कर भाग गया हो? क्या है किसी के पास ऐसा एग्जाम्पल? क्या है किसी का एक एग्जाम्पल जिसमें अधिकारी आगे हो और उसके पीछे से जवान भाग गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान की फौज के अधिकारी और सिपाही हमेशा साथ रहे हैं, चाहे आप उन्हें ओआरओपी कहिए, हम सारे के सारे सैन्य कर्मी हैं। तो हमें इस एक साजिश का शिकार नहीं होना है। हमें आपस में तोड़फोड़ नहीं करनी है और हो सके तो जैसे कि आज हमारे साथ किसान यूनियन है, किसान के सारे लोग हैं। इसके पहले ब्रिगेडियर सर जो बात कर रहे थे जयपुर से, मैं उन्हीं की बात को एक बार और दोहराऊंगी। हमें इकट्ठा होना है, हमें एक साथ होकर। और मैं एक और चीज आपको कहूंगी कि नारियों के सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण सुदेश का है। सुदेश का वीडियो अभी थोड़े दिनों पहले बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में था। हमें क्या करना है? अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को वायरल करिए, उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिनके आंख और कान बंद हैं। ऐसी शेरनी जब दहाड़ेगी तो सबके दिलों पर असर होगा। मैं आज एक बार फिर आप सभी का आभार मानती हूँ कि हम सब आज मेजर जनरल सतबीर सिंह सर के साथ हैं। और जो लोग नहीं हैं वो मिठाई तो खाना चाहते हैं लेकिन उसके हिस्से के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी नहीं देना चाहते। क्या चाहिए होता है? एक ही दिन तो केवल हमें अपनी एकता दिखाने के लिए जंतर मंतर आना पड़ता है। अपने लोगों तक पहुंचाइए हमारा संदेश। सरकार ने झूठा संदेश पहुंचाया है कि ओआरओपी दे दी गई है। नहीं दी गई है ओआरओपी, और तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे भाई मेजर सिंह और यादव जी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, शर्म की बात है सरकार के लिए। तो हम सब आज पूरी ताकत से मेजर जनरल सतबीर सिंह सर को अपने इकट्ठा हो